नमस्ते महादेव। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। सो हम ब्लड ग्रुप किस तरह से करते हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि भाई कोई डोनर या तो फिर कोई पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू मेथड से, स्लाइड एंड टेस्ट ट्यूब मेथड। टेस्ट ट्यूब के अगेन टू टाइप्स है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड ग्रुप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो देखो। अगर आरबीसी की सरफेस पर, हमारे आरबीसी की सरफेस पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर हमारी आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड ग्रुप। अगर हमारी आरबीसी पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है, अगर हमारी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव की बात कि पॉजिटिव कब कहेंगे, नेगेटिव कब कहेंगे। अगर हमारी आरबीसी पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव। अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, तो फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की कि यहाँ किसके बेसिस पर जो ब्लड ग्रुपिंग है हम करते हैं, ए ग्लूटिनेशन के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एंटीजन कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, ए ग्लूटिनेशन फॉर्म करके देगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारी स्लाइड मेथड। तो आपको क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है क्लीन। ठीक है, फिर आपको उसके अंदर ए एंटी सीरा, बी एंटी सीरा एंड डी एंटी सीरा आपको ऐड करनी है। मतलब कि एंटीबॉडी समझ लो, ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी एंड डी एंटीबॉडी के वन वन ड्रॉप आपने डाल रखे। ठीक है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। फिर आपको क्या करना है, वन ड्रॉप ऑफ ब्लड ऐड करना है तीनों में। ठीक है, तीनों में आपने क्या कर दिया, वन वन ड्रॉप ब्लड ऐड कर दिया। फिर आपको उसको अच्छे से करना है मिक्स, क्या करना है, मिक्स करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ए ग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ बी के अंदर क्लंपिंग दिख रही है, मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप, ए में कोई क्लंपिंग दिख नहीं रही है। ठीक है, इसीलिए हम ए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कहाँ एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है, बी के अंदर। फिर यहाँ देखो डी में भी आपको एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर क्लंपिंग यहाँ नहीं होगी तो क्या कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइड मेथड। क्यों यहाँ बी के अंदर आपको ए ग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ, देखो हमने बी एंटीबॉडी मतलब कि बी एंटी सीरा हमने वन ड्रॉप ऐड की थी। फिर हमने क्या किया था, आरबीसी जो भी ब्लड है हमारा, वन ड्रॉप हमने ऐड किया था। तो हमारी आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट था, कौन सा एंटीजन, बी एंटीजन प्रेजेंट था, और हमने यहाँ बी एंटीबॉडी दे रखी थी। तो ये दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया और क्या दिया, हमने एग्लूटिनेशन फॉर्म करके दिया। ठीक है, उसी तरह से डी एंटीजन मतलब कि आरएच एंटीजन। ठीक है, फिर आएगा हमारा फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। सो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में आपको क्या करना है, तीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर ए एंटी सीरा, बी एंटी सीरा एंड डी एंटी सीरा, मतलब कि ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी एंड डी एंटीबॉडी। ठीक है, आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। फिर आपको ऐड करना है 2-5% सेल सस्पेंशन, मतलब कि जिस डोनर हो या तो फिर कोई पेशेंट हो, ठीक है, आपको उस जिसका भी ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना है उसका आपको क्या करना है, सेल सस्पेंशन ऐड करना है। लेकिन सेल सस्पेंशन हम किस तरह से बनाएंगे वो पहले आप देख लो। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको ब्लड सैंपल ऐड करना है, जो भी आपने ब्लड कोई डोनर या पेशेंट का जिसका आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको ब्लड लेना है, फिर आपको 3/4 आपको नॉर्मल सलाइन ऐड कर देना है इसके अंदर। क्या करना है, नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल सलाइन। और फिर आपको करना है इसका सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको सुपरनेटेंट मिल रहा है, ठीक है, वो आपको कर देना है डिस्कार्ड। ठीक है, और जो भी पेलेट बच रहा है उसको आप एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया हमने सुपरनेटेंट, फिर आपको फिर से डालना है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, और फिर से सेंट्रीफ्यूज करना है, यही आपको रिपीट करना है तीन बार। कितनी बार रिपीट करना है, तीन बार, मतलब कि 3 times आपको क्या करना है, सेल वॉश करना है। ठीक है, अब आखिरी बार जब आपने सेल वॉश किया तो ऊपर जो सुपरनेटेंट है वो आपने डिस्कार्ड कर दिया और नीचे हमें क्या मिल रहा है, पेलेट मिल रहा है, मतलब कि यहाँ क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। तो ये रेड ब्लड सेल्स आपको एक अदर टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर वन ड्रॉप ऑफ ब्लड सेल्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है,
और 19 ड्रॉप्स ऑफ नॉर्मल सलाइन भी आपको ऐड करना है। तो ये आपका बन गया आपका 2-5% सेल सस्पेंशन। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। एक टेस्ट ट्यूब लो आप, उसके अंदर ब्लड ऐड करो, ठीक है, और फिर उसके अंदर 3/4 नॉर्मल सलाइन ऐड करना है आपको, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है, डिस्कार्ड कर देना है सुपरनेटेंट, और जो भी पैलेट बच रहा है ये कितनी बार करना है आपको, 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम सेल वॉश होने के बाद आपको क्या करना है, सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया, जो भी पैलेट बचा है उसका 1 ड्रॉप लेना है, मतलब कि RBC का 1 ड्रॉप लेना है, वो आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, और फिर आपको क्या करना है, 19 ड्रॉप्स नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। ये हो गया आपका सेल सस्पेंशन। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ए एंटी सीरा बी एनडी एंटी सीरा ली थी और 2-5% सेल सस्पेंशन हमने तीनों में डाल दिया। फिर आपको करना है उसका सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको फिर से रिसस्पेंड करना है, मिक्स करना है और ऑब्जर्व करना है कि ए ग्लूटिनेशन कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये है ए बी एन डी, तो बी के अंदर आपको ए ग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, एन डी के अंदर भी आपको ए ग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ जो ब्लड ग्रुप है वो होगा आपका बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर है हमारा रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में क्या है, फॉरवर्ड में हम क्या ले रहे थे, जो भी डोनर पेशेंट है उसका सेल सस्पेंशन ले रहे थे, मतलब कि यहाँ रेड ब्लड सेल्स ले रहे थे, ठीक है, ब्लड सेल्स ले रहे थे। लेकिन रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो भी डोनर है या तो फिर पेशेंट है जिसका आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका आपको लेना है सीरम सैंपल लेना है। क्या लेना है, सीरम सैंपल। तो हमें पता है सीरम सैंपल हम किस तरह से लेंगे, आपको क्या करना है, प्लेन ट्यूब के अंदर ब्लड आपने लेना है, ठीक है, और जब क्लोट हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, उसका सेंट्रीफ्यूज करना है। तो सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको दो लेयर मिल जाएंगे, जो ऊपर वाला है उसे हम कहेंगे सीरम, ठीक है। तो आपको ये सीरम सैंपल लेना है, तो हमें पता है सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो देखो हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर कि भाई आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन, अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी, मतलब कि सीरम सैंपल हम ले रहे हैं, एंटीबॉडी ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे जो भी फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ए है, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, तो मेरा सेल्फ एंटीजन कौन सा हुआ, ए एंटीजन मेरा सेल्फ एंटीजन हुआ, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में कभी भी मेरी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, मतलब कि ए एंटीजन के अगेंस्ट की ए एंटीबॉडी मेरे सीरम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन बी एंटीबॉडी मेरे सीरम सैंपल में प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि बी एंटीजन है वो मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि मेरी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरी जो भी सीरम, मेरा जो भी सीरम सैंपल है उसके अंदर आपको बी एंटीबॉडी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखो। तो अब आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, ए बी ओ आप इस तरह से मार्क कर दो, ठीक है। आप अगर इस बार ओ आप ना देखो लेकिन ए बी आप पहले देखो, ठीक है, ए एंड बी आपको क्या करना है, सीरम सैंपल तीनों के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, कोई भी डोनर हो या पेशेंट हो जिसका आपको आइडेंटिफाई करना है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आपने सीरम सैंपल ऐड कर दिया, फिर आपको क्या करना है पता है, ए ब्लड नॉन ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप आपको लेना है, क्या आपको पता है कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है और ये ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो आपको उसका सेल सस्पेंशन लेना है। देखो आप यहाँ पर टेक नॉन ए बी ओ ब्लड सेल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एंटीबॉडी एंटी सीरा नहीं ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो भी सीरम सैंपल है वो ऐड किया हुआ है कोई भी पेशेंट या तो फिर कोई भी डोनर का, ठीक है। हम यहाँ क्या करते थे, पहले हम एंटीबॉडी ऐड कर देते जो आर्टिफिशियली मिल रही थी बाजार में, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे थे, जो भी ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो हम ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो हम सीरम सैंपल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सीरम सैंपल, मतलब कि सीरम सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी। तो अब हमें क्या ऐड करना होगा, एंटीजन ऐड करना होगा। तो हमें क्या करना है, 3 ब्लड ग्रुप लेने हैं, ए बी एंड ओ। हमें पता होना चाहिए कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है एंड ये ओ है, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसके सरफेस पर ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और बी अगर ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और अगर ओ होगा तो उसके ए एंड बी
कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या आपको करना है, देखो आपने क्या क्या सेल सस्पेंशन बनाए। फॉर एग्जांपल ये ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है एंड ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। हमें पता है इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी एंड ओ है, ठीक है। उसका ब्लड सैंपल लिया और उसका हमें बनाना है सेल सस्पेंशन, जो मैंने पहले बताया, ठीक है, फॉरवर्ड में किस तरह से सेल सस्पेंशन बनता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें जो भी ए लेबल किया हुआ है उसके अंदर आपको ए जो भी ब्लड ग्रुप है उसका सेल सस्पेंशन डालना है, बी लेबल की हुई है उसके अंदर बी सेल सस्पेंशन डालना है और ओ के अंदर ओ सेल सस्पेंशन डालना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है और ऑब्जर्व करना है कि भाई कहाँ एग्लूटिनेशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो आपको ए के अंदर एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए, नहीं यहाँ ए ब्लड ग्रुप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लड ग्रुप होगा बी, क्यों ऐसा हुआ। देखो हम क्या, हम किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, देखो आरबीसी की सरफेस पर अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने सीरम सैंपल लिया हुआ है, ठीक है। तो सीरम सैंपल में अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में बी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए एंटीबॉडी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम सेल सस्पेंशन ऐड करेंगे तो ए जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है और डी के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मैंने सीरम सैंपल ऐड किया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, कौन सी होगी, ए एंटीबॉडी। तो यहाँ बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ एग्लूटिनेशन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी जो सीरम सैंपल है उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए, तो यहाँ एंटीजन भी कौन सा है, ए, तो ई एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और आपको ए ग्लूटिनेशन देगा, मतलब कि यहाँ आपके सीरम में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी, क्योंकि बी आपकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। देखो आप एक बार ये टेबल देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, आपका ब्लड ग्रुप ए होगा तो आपको ए नेगेटिव दिखेगा एंड बी पॉजिटिव दिखाएगा, किस तरह से, इस तरह से। देखो यहाँ आपका ब्लड ग्रुप बी है, क्यों, ए में क्लंपिंग दिख रही है आपको, बी में कोई नहीं क्लंपिंग दिख रही है, मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, क्यों, क्योंकि अगर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पर तभी तो आपके सीरम सैंपल के अंदर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो यहाँ क्या हो रहा है, एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि बी एंटीजन डाले हुए हैं इसके अंदर, ये रेड सेल सस्पेंशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन आपके अंदर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ एग्लूटिनेशन नहीं होगा, ठीक है। बी एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ए एंड बी कभी बाइंड नहीं होंगे, बाइंड कौन सा होगा, ए, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर, यहाँ आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है, आपके सीरम सैंपल में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा, मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी, ठीक है। अगर आपको ए के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है, बी के अंदर दिख रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर ए के अंदर एग्लूटिनेशन दिख रहा है, बी के अंदर नहीं दिख रहा है, मतलब ब्लड ग्रुप होगा बी, अगर आपको दोनों में एग्लूटिनेशन दिख रहा है, मतलब कि ब्लड ग्रुप होगा ओ, क्यों, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो सीरम सैंपल में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गए ए एंड बी, इसीलिए दोनों में क्लंपिंग हो गए, ठीक है। अगर एक में भी क्लंपिंग नहीं है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुपिंग, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, थैंक यू।